मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में जबलपुर, शहडोल, उज्जैन, नर्मदापुरम समेत राज्य के कई जिलों में ऐसी बारिश हुई कि वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं आने वाले दो दिनों तक प्रदेश के 40 जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि पहले से ही आसमान से बरस रही आफत ने वहां के कई इलाकों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो चुका है, जिसकी कुछ तस्वीरें इंदौर से भी सामने आई, जिनमें गाड़ियां सैलाब में खिलौने की तरह बहती नजर आईं। शहर में कई जगहों पर सड़कें लबालब पानी में डूबी दिखीं। वहां इतना पानी भरा दिखा कि गाड़ियों के पहिए उसमें गुम दिखाई दिए, और ये मुसीबत उन गाड़ियों के सामने बौनी पड़ गई जो पानी के तेज बहाव में बहकर कहीं दूर चली गईं। सड़कों पर जहां तक नजर गई वहां तक पानी का कब्जा दिखा। पानी भी इतना जबरदस्त कि ये बताना मुश्किल हो गया कि पानी के नीचे सड़क भी मौजूद है। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि पानी के बहाव में एक कार पहले पलट गई और फिर पानी के साथ बहती चली गई। लेकिन ये मंजर देखकर वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि उस कार में कुछ लोग सवार थे जिनकी जान खतरे में पड़ गई। इसी तरह एक दूसरी गाड़ी भी तेज बहाव में एक जगह रुक नहीं पाई और पानी के साथ बह गई। ऐसे में शहर के मेयर ने आदेश दिया कि इन हालात में सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। यही नहीं, उन्होंने शहर में बाढ़ से जूझ रहे इलाकों का दौरा भी किया, लेकिन इंदौर नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। राज्य के कुछ दूसरे शहरों का हाल भी कुछ अलग नहीं दिखा, जिनमें बैतूल भी शामिल है। वहां भारी बारिश के बाद ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण वहां मौजूद डैम के 4 गेट खोल दिए गए। ऐसे में नदी के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए, जबकि कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ों पर मौजूद मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। पहाड़ों के जिन रास्तों से होकर मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ना होता है, वहां पानी का कब्जा दिखा। ऊपर से पानी तेज धार में गिरता नजर आया, लेकिन लोग नहीं रुके, उन्होंने जान दांव पर लगाकर अपनी यात्रा जारी रखी। उधर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हुई जोरदार बारिश ने भी लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। नदियों में आए उफान से कणकवली में तो एक लोहे का पुल ही बह गया, जिसके बाद कई गांवों का संपर्क टूट गया। सामने आए वीडियो में सैलाब के बीच लोहे का पुल किसी तिनके की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के बाद गढ़ नदी में उफान की वजह से पुल के ऊपर से पानी बहने लगा था, जिसके बाद लोगों को पुल से न गुजरने की सलाह दी गई थी, और हुआ भी वही जिसका डर था। पानी के तेज थपेड़ों को पुल ज्यादा देर नहीं सह पाया और उसका एक बड़ा हिस्सा नदी में बह गया। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ महाराष्ट्र के एक इलाके की थी। वर्धा जिले में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को ऐसा बढ़ाया कि उन्हें घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि नदियां उफान पर हैं और सड़कें पानी में समा गई, जिसके बाद अब लोगों के पास कहीं आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। वर्धा के कन्होली में कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कोल्हापुर में भी जोरदार बारिश जारी है, जिसे लेकर प्रशासन भी लोगों को सतर्क करने में जुटा हुआ है। कोल्हापुर का राधा नगरी डैम भी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गया और डैम से पानी छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यही नहीं, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी भारी बारिश के बाद कई जगहों पर नदियां उफान पर आ गईं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से सड़कें और पुल पानी में डूब गए और कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में इस मानसून सीजन में बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है।